कैसे रिसीव्स होते हैं उसमें कैटेगरी वाइज कैन आल्सो लर्न एआई एंड एमएल कैडा वो सब इजीली लर्न कर सकता है कोडिंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आज जो है थर्सडे है और आज हमारे कॉलेज में प्रेजेंटेशन होने वाला है स्टार्टअप पे, स्टार्टअप आइडियाज पे, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं। सेलिब्रिटीज मतलब बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जैसे कमिश्नर्स हो गए हैं, यहाँ के डीएम हो गए, सब आने वाले हैं, और बाहर से भी कुछ लोग आने वाले हैं, जैसे स्टार्टअप सेल से आने वाले हैं, इंडस्ट्रीज से आने वाले हैं, और विजिट करेंगे हमारे कॉलेज को और स्टार्टअप आइडियाज़ के बारे में बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट के पास जो भी स्टार्टअप आइडियाज़ है उन्हें शेयर करने बोलेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और आपको सीख भी मिलने वाला कुछ, तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलते हैं, पहले फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, फिर बाद में वहाँ पे चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। Sir, for coming onto this stage. Sir, please have a seat. Volunteers, please help. Now I would like to invite SP sir of Madhepura to come onto the stage for greetings. Sorry everyone. Now I would like to invite ADM sir of Madhepura Medical College onto the stage for greetings. Guys, give a huge round of applause for Principal Sir. Thank you so much, sir. Now I would like to invite Professor Murali Prasad sir onto the stage for greetings. And Principal sir. Guys, give a huge round of applause. Without taking too much of your time, now I would like to invite Principal sir onto the stage to say few words. Sir, please come onto the stage. Students, give a huge round of applause for sir. Thank you very much. Today's gathering in this engineering college, I really thank principal of this college, Principal Medical College, the faculty, students, all the staff here, my own colleagues, Department of Industry से जो लोग आए हैं, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। I really thank you all of you to having me invited here. So I've seen the college campus and it brought me back to my college days. 2006 to 10, I am a IIT Bombay graduate. 2010, B.Tech in Metallurgical Engineering. That stream is not yet to open here. After that, my journey has been very long. Let's not discuss about that because we have a very good important topic here on startup ecosystem. So this journey of startup in India has started a long way back, I think 2015-16, and we have traveled very, very good far. Many companies, many startups have turned up in India in the last 5-7 years, and they have gathered huge amount of talent in all the universities like this one. So I really hope that this college utilizes the potential and utilizes today's conference and today's module in a very good spirit. Because I am an engineer, so I would like to give you a few kind words of guidance that can guide you in your career and life ahead, because
कॉलेज एटमॉस्फेयर जो होता है वो वापस नहीं आता है, तो कॉलेज की ज़िंदगी, कॉलेज की लाइफ वहीं जीने तो बेहतर है, बिकॉज वो पल वापस नहीं आएंगे। सो कॉलेज के माहौल में लाइफ बिताने के साथ साथ सारी चीज़ें करनी है। आपका फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी योर एकेडमिक्स, बिकॉज एकेडमिक्स के बेसिस पे ही यू विल ट्रेवल डिस्टेंस। एकेडमिक्स में जो भी आप लर्न करेंगे, बी इट रिलेटेड टू योर स्ट्रीम और बी इट अदरवाइज, टुडे इज एन एरा ऑफ ऑनलाइन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हेन आई ग्रेजुएटेड उस टाइम पे इतना ज़्यादा ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ मटीरियल एंड सोर्सेज कम था, आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है। सो यू कैन वेरी वेल यूटिलाइज द इंटरनेट फॉर इंजीनियर, कैन ऑल्सो लर्न ए आई एन एम एल कैडा, वो सब इजीली लर्न कर सकता है, कोडिंग कर सकता है, दैट इज इजीली अवेलेबल। सो डेवलप दिनों के बाद बंद करके आता था, पर लेंसकार्ट ने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी को ऐड किया और अब आप अपने एप्लीकेशन से अपने अपने आईडी अपने मेंशन किया गया है मर्जा डिमर मेंशन के बारे में, अमलोकेशन के बारे में, तो वैसे इंटरव्यूज को बिहार स्टार्टअप मेंशन नहीं करती हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गए जिसे बिहार स्टार्टअप में एज ए स्टार्टअप रिकॉग्नाइज किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, हमारे जो इंसेंटिव है इसमें बेसिक इंसेंटिव जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सीड फंड का, जो अप टू 10 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन है फॉर 10 ईयर्स का प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट्स के द्वारा। इसमें जो सीड फंड का जो प्रोसेस होता है मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। फर्दर जो है अर्ली स्टेज फंडिंग और 2% अर्ली स्टेज फंडिंग जो इन्वेस्टमेंट्स आप रेज करते हैं उसमें 2% का सपोर्ट दिया जाता है। मैचिंग ग्रांट का प्रोविजन है, सपोज अगर आप किसी एंजल इन्वेस्टर से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से लोन रेज करते हैं तो सिमिलर अमाउंट का अप टू 50 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया गया है 50 लाख का, 50 लाख तक का बिहार गवर्नमेंट सेम अमाउंट का लोन आपको प्रोवाइड करेगी। इसमें एक्सिलेशन प्रोग्राम में रिमबर्समेंट बोर्ड में अप टू 3 लाख का रिमबर्समेंट बोर्ड में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं इवेंट्स तो करवाने में, उसमें रिमबर्समेंट बोर्ड में जो बिल रेज होते हैं उसके अगेंस्ट 3 लाख का रिमबर्समेंट बोर्ड में पेमेंट किया जाता है। पेटेंट फी जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा टोटली फ्री है, पेटेंट फी जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो स्टेटस के रिक्वायर्ड होते हैं, स्टेटस सपोर्ट आपको ट्रेडमार्क का रिक्वायर्ड है, कॉपीराइट का रिक्वायर्ड है, तो जो भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट और जो भी एक्सपेंसेस फॉर ऑब्टेनिंग कॉपीराइट ट्रेडमार्क आपको रिक्वायर्ड होंगे वो सारे गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा आपको हैंड होल्डिंग और टोटल एक्सपेंसेस गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। स्केल ऑफ फंडिंग में हमारे डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन है जिसमें हम स्केल ऑफ फंडिंग का प्रोविजन गवर्नमेंट ऑफ बिहार द्वारा दिया गया है। अदर इंसेंटिव्स में वेमेन लेड एंटरप्रेन्योर और एस सी एस टी डिसेबल्ड पीपल के लिए अदर देन अप टू 10 लाख का 5% एंड 15% का एक्स्ट्रा बेनिफिट उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड, भी आपको सपोर्ट होंगे फ्यूचर में जो भी अभी आप हमारे पोर्टल पे आकर के हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, इस पोर्टल के माध्यम से ही आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें आप अप्लाई कीजिएगा, उसके बाद फर्दर हमारे टीम द्वारा जो एक्सपर्ट्स पैनल है उसमें इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन के बाद हम लोग जो भी एप्लीकेशन रिसीव्स होते हैं उसमें कैटेगरी वाइज रीजनल पेंटिंग, हाउ टू प्रमोट द रीजनल पेंटिंग ऑफ बिहार, मेनली फोकस वाज ऑन बिहार पेंटिंग इन विच विद द हेल्प ऑफ द लोकल आर्टिस्ट लाइक वोमेन्स वी कैन विद द हेल्प ऑफ एंड गेटिंग द फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट और एजेंसी वी कैन स्टार्ट आवर स्टार्टअप एंड बाय मेकिंग एन ऐप वी कैन सेल देयर आर्ट मेड बाय द लोकल आर्टिस्ट एंड गिव देम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू देम। थैंक यू। हॉस्टल में गोभी का भुंजिया खा रहे हैं आज, आपको कैसे मन किया आज हम लोग को गोभी का भुंजिया खिलाने? भी आप लोग इच्छा है ना खाने का? रो रहा था अपना। अच्छा, आजकल आप नॉन वेजिटेरियन ज्यादा खिला रहे हैं ना, ध्यान से क्या पता ये भुंजियों में नॉन वेजिटेरियन मिले। तो आज हमारे खाने में है रोटी, भुंजिया, तड़का, टमाटर, प्याज।